नमस्कार दोस्तों, मैं सर्प मित्र डॉक्टर भास्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कल हमने जिस कोबरा सांप का रेस्क्यू किया था, अभी उस सांप को हम इसके प्राकृतिक निवास में यानी नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सांप को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों चारों ओर कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी इस जगह पर इस सांप को हम रिलीज कर देते हैं। इस कोबरा सांप का हमने कल रेस्क्यू किया था। ये बहुत ही बड़े साइज का कोबरा है दोस्तों। इसकी लेंथ लगभग 5-5.5 फीट तक हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है जिसे मराठी में नाग, अलग अलग भाषाओं में गेहुअन, खरीस या फिटार के नाम से जाना जाता है। और इस सांप का साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। तो देखिए दोस्तों, इस कोबरा को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली रिलीज कर दिया है। इसकी आंखों पर केचुली की परत छा चुकी है, इसलिए इसे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, कितने मस्त तरीके से ये पेड़ पर चढ़ रहा है। घोड़ा पछाड़ सांप यानी इंडियन रेड स्नेक के जैसा कोबरा सांप भी आराम से पेड़ पर चढ़ सकता है। ये सांप अक्सर पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में घुसकर उनके बच्चों को शिकार बनाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस सांप का मुख्य भोजन चूहे होते हैं, इसलिए चूहों का पीछा करती हुई ये सांप हमारे घरों तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में सांपों की लगभग 270 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इन प्रजातियों में करीब 60 प्रजातियां ही जहरीली यानी वेनेमस होती है और बाकी की बची बिना जहरीली यानी नॉन वेनेमस। इनमें भी सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी है जिनका अक्सर इंसानों से सामना होता है। इन 4 प्रजातियों में मुख्य रूप से ये सांप यानी कोबरा स्नेक, कॉमन क्रिएट यानी करेत सांप, स्वास्केड वाइपर यानी फुरसा सांप और रसेल स्वाइपर यानी घोनस या चंदन बोड़ा सांप, इनका मुख्य रूप से समावेश होता है। और इन्हीं 4 प्रजातियों को बिग फोर ऐसा कहा जाता है। कोबरा सांप की मुख्य पहचान इसका हुड निकालना यानी फन निकालना होता है, क्योंकि कोबरा ही एकमात्र सांप है जो अपना फन उठाकर हवा में खड़ा होता है। इस सांप को जब भी किसी से खतरा महसूस होता है तो ये अपना फन उठाकर सामने वाले को धमकाता है कि मुझे परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें काट लूंगा। बहुत से लोग मानते हैं कि कोबरा ने फन निकालने के बाद ये काट नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सांप फन निकालने के बाद भी बिना फन निकाले भी काट सकता है। इसकी काटने की क्रिया इतनी तीव्र होती है कि शायद हम उसे खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। प्रत्येक सांप अकेला घूमना या रहना पसंद करता है, क्योंकि दूसरे जानवरों की तरह इनका कोई परिवार नहीं होता। सांपों के प्रति आज भी लोगों के मन में बहुत सी अंधविश्वासी बातें पनप रही है, जैसे कि सांपों की उम्र 100 सालों तक होती है और जैसे ही इनकी उम्र 100 के पार चली गई तब ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, यानी ये इच्छाधारी नाग नागिन बनते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सांपों की औसतन उम्र 15 से 20 साल तक ही होती है और कोबरा की औसतन उम्र 20 साल होती है। हर जन्मे हुए जीव का अंत निश्चित होता है तो फिर सांपों का भी अंत निश्चित है, इसलिए कोई भी सांप इच्छाधारी नहीं होता। दूसरी गलत धारणा ये होती है कि नाग नागिन बदला लेते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सांपों के ब्रेन में इंसानों के ब्रेन जैसा सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता। दिमाग का यही हिस्सा सोचने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब सांपों के दिमाग में ये हिस्सा ही नहीं होगा तो फिर बदला लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों, सांप हमारे इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसलिए अगर आपको कहीं पर भी सांप दिखाई दे तो प्लीज उसे मारे नहीं, बल्कि अपने नजदीकी सर्प मित्र को कॉल करके सांप की जान बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जय हिंद।